500 रुपए में दुल्हनिया को घर ले आया। ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया, ले जाएंगे, रह जाएंगे गढ़ वाले, नहीं लाहौर वाले देखते रह जाएंगे। ऐसे ही एक जोड़े से आपको आज मिलाते हैं। मैं हूं आपकी होस्ट अनम शेख और आप देख रहे हैं कैम टीवी। नाजरीन, आज आपको एक ऐसे जोड़े से मिलवाएंगे जिसने अपनी बारात भाई ले गया है मोटरसाइकिल पर। और कैसे लेके गया है, दुल्हनिया को पता था या देखते हैं कि उसके घर वाले कितने शौकीन हैं। आज उनसे बात करते, आए। भाभी जी, आप मुझे ये बताएं कैसी हैं आप जी? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, दूल्हा मियां आपके पास आया था, कितना इंतज़ार था आपको? जी बहुत इंतज़ार था। अच्छा, मुझे ये बताएं कि किस चीज़ का इंतज़ार था, कि दूल्हा मियां की एंट्री कैसी होगी, कुछ सोचा होगा आपने? गाड़ी पे ही होगी, यही सोचा था। गाड़ी का दूल्हा बाइक पे आ गया। अच्छा, तो फिर जब बाइक पे आए तो आपको कैसा फील हुआ कि यार मैं तो बाइक पे जाऊँगी, मैंने लहंगा पहना हुआ है? नहीं, बहुत अच्छा फील हुआ। अच्छा, कैसे बैठी थी आप? बस बैठ गई थी। अच्छा, लहंगा कैसे कवर किया था ये बताया ना जरा। मुश्किल से कवर किया था। अच्छा, मुझे ये बताया, वैसे तो आपको पता है कि दुल्हन पहले दिन जब जाती है नर्वस बहुत ज़्यादा होती है, वो तो बाइक पे एडजस्ट नहीं, वो गाड़ी में एडजस्ट नहीं होती, तो आप फिर बाइक पे बैठ गई, भाई दाद देनी पड़ेगी इस दुल्हन की, बहुत ही कमाल की शादी थी। अच्छा, मुझे बताया कि किसने आपको बैठाया था, लाइक खुद ही बैठी थी? बाइक पे बैठना भाई आसान तो नहीं होता, आम कपड़ों में नहीं हम बैठ पाते, आप लहंगा पहन के बैठ गई। फिर बताया, हमारी ऑडियंस को जाना चाहती है। हाँ जी, बैठ के हेल्प की सबने, कुछ लोगों ने मिलके। जी जी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आप अपने घर से क्या क्या लेके आई हैं? जी मैं कुछ भी नहीं लेके आई। कुछ भी नहीं लेके आई, सब कुछ यहाँ का है। अच्छा, कपड़े शपड़े तो लाई होंगी ना, कि वो भी नहीं? नहीं, सब कुछ। कपड़े भी नहीं लेके आई, यार ऐसा दूल्हा कहाँ मिलता है। अच्छा जी, अच्छा मुझे ये बताइए, लव मैरिज है अरेंज मैरिज है? अरेंज मैरिज है। अरेंज मैरिज है। अच्छा भाई, दूल्हा मियाँ क्यों लेके आए भाई भाभी को मोटरसाइकिल पे, ऐसी क्या वजह थी? देखिए, इस महंगाई में कुछ न्यू करना चाहिए, नया करेंगे तो लोगों तक खबर पहुंचेगी ना कि हम कैसे लेकर जाएंगे, किस तरह को, नए नए आइडियाज़ भी देने चाहिए लोगों को। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये प्री प्लान था या फिर कोइंसिडेंट? नहीं, ऐसा हमारा कोई प्लान नहीं था कि हम बाइक पर जाएंगे, लेकिन जैसे आपको बताया कि बढ़ती महंगाई की वजह से इतने ज़्यादा रेट गाड़ियों के बढ़ चुके हैं कि हमें ये सोचना पड़ा कि हम कुछ नया करें। मेरे बड़े भाई ने अरेंज किया सारा, उन्होंने बाइक पर मुझे कहा कि तुमने बाइक पर जाना, उन्होंने अपने दोस्त से बाइक मंगवाई है। अच्छा, बाइक कौन सी थी? BMW। माई गॉड, BMW। दुल्हनिया हमारी आसानी से बैठ गई होंगी। जी जी बिल्कुल। जैसे कि दुल्हन ने कहा है कि मैं कुछ नहीं लेके आई, तो आपने जहेज नहीं लिया? नहीं बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह हमने जहेज़ नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया। मैं तो जहेज़ को प्रमोट करूंगा कि जितना हो सके बाइकआउट किया जाए, जहेज़ की जो जहेज़ लानत है इसको बाइकआउट करना चाहिए हम सब लोगों को। अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा कि बाइक का कितना खर्चा आया था? 200 रुपये का सिर्फ। 200 रुपये का सिर्फ? My God. 200 रुपये में दुल्हनिया को घर ले आया, तो साइकिल पे कितना आएगा? साइकिल पे तो सिर्फ चैन पे तेल डालना होगा और ले जाकर जाना होगा। जब आप गए ससुराल, दुल्हन की बहनें, मामा, ये सारी परेशानी हो गई, कैसे आया है वो भी बाइक पे आ गया, कोई आइडिया? नहीं बिल्कुल भी नहीं, उन्होंने परेशान नहीं हुए, बल्कि मैं आपको बता रहा था कि वो बहुत ज़्यादा खुश थे। वहाँ पर जो इस्तकबाल वाले थे, उन्होंने बहुत पुरजोश इस्तकबाल किया हमारा, खुश थे और पुरजोश नज़र आ रहे थे, फूलों की पत्तियाँ बरसा रहे थे और हार पहना रहे थे, माला पहना रहे थे कि दूल्हे मियाँ की एंट्री। तो दूल्हे मियाँ को या बाइक को? नहीं, दूल्हे मियाँ को। दूल्हे मियाँ को। जो दुल्हनिया थी वो आके जब उतरी, तो फिर आपके घर में कैसा स्वागत हुआ था? बहुत अच्छा। क्या क्या किया था इन लोगों ने? बताएं बताएं हमारी ऑडियंस को, बाइक पे अब ऑडियंस अगर आएगी तो आपके जैसे स्वागत भी तो होना चाहिए ना? जी बिल्कुल। जी जी बिल्कुल। ओके, बताएं। अनारों के साथ एंट्री हुई, उसके बाद मेरे भाई भाभी सब ने डांस किया और काफ़ी इंजॉय किया, तो बहुत अच्छा था इस्तकबाल। अच्छा, अब हमारी जो भाभी हैं उनको कहाँ लेके जा रहे हैं घुमाने? यही के मरी सवाद कलाम इस साइड पे जाने का इरादा है। जब बाइक पे बैठे तो आपको कैसा फील हुआ दुल्हन को लेने जाने वक्त?
बहुत ज़्यादा मज़ा आया मुझे तो। मेरा तो एक ड्रीम था कि कुछ हैवी बाइक्स का, मैं बाइक्स वगैरह का मैं भी शौक़ रखता हूँ तो बल्कि मेरे लिए सरप्राइज़ था। मैं खुद सैलून पे गया हुआ था, मेरी सहराबंदी की रस्म हो रही थी जब मैं आ रहा था, तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं था कि मैं जाऊँगा, मुझे था कि घर की गाड़ी पर ही हम जाएँगे और जाके दुल्हनिया ले आएँगे। बाइक जो थी वो कौन लाया था? बाइक बड़े भाई ने अरेंज की थी। बड़े भाई ने ज़्यादती उन्होंने शुरू की है। आपका इस्तकबाल कैसे हुआ था? बस पत्तियों से? आप क्या चाहती हैं? मैं सुनना चाहती हूँ। नहीं नहीं, पतियों से ही, फूलों से, पतियों से, माला से। बैंड बाजे वाले मेरे साथ साथ चलते आए, उनको भी पैदल जहाँ तक था लेकर गया मैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कितने खुश हैं इस शादी से? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मेरी सोच से भी ज़्यादा। क्यों, ऐसा क्या है? क्यों, क्योंकि निकाह मेरा एक दिन पहले हो गया था। मेहंदी वाले दिन मेरा निकाह हो गया था और दूसरे दिन रुखसती थी, तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि मेरी वाइफ के जो कदम मुबारक है वो इतने हैं मेरे लिए है कि वो उनके आने से मैं इतना फेमस भी हो गया। हमारे ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहता है? बिल्कुल, मैं अपने ऑडियंस को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जिस तरह, पहले बात है मैं महंगाई को लेकर जाऊँगा कि जितनी महंगाई हो रही है, मैं अपनी नौजवान नस्ल को ये मैसेज देना चाहूँगा कि भाई शादी कर लें जितनी जल्दी हो सके, इससे पहले कि आवाम जो है वो बाइक की बजाय साइकिल या बगी पे जाए, तो हमें शादी कर लेनी चाहिए। और दूसरा मैसेज मेरा ये है कि हमें जहेज़ नहीं लेना चाहिए, जहेज़ का बाइकआउट करना चाहिए। नौजवान नस्ल को ये मैसेज मैं दूँगा स्पेशली कि जो कुछ करें खुद करें, लड़की वालों पर बिल्कुल भी बोझ ना डालें, ताकि वो जो भी ये परेशान लोग हैं जो सिर्फ जहेज़ की वजह से शादी नहीं कर पाते अपनी बेटी की, वो ये मुश्किलात का सामना ना करें। यार इसने कहा शादी कर लो, वो गाना याद आ गया, शादी करके फंस गया यार, अच्छा हंसा था कवारा। अच्छा भाई, कौन कौन शादी करना चाहता है और कौन कौन ऐसे शादी करना चाहता है और कौन कौन इससे भी ज़्यादा ट्रेंड के साथ शादी करना चाहता है, कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। वीडियोस को देखें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल्स को, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स करें, और इसी तरह हमारी और वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे साथ कनेक्ट रहें। अल्लाह हाफिज़।